हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेटफैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं 94 शिक्षक बहाली को लेकर के, जिसमें एक प्रक्रिया पे जो है कमेंट्स के माध्यम से एक व्यूअर ने जो है सब्सक्राइबर ने एक सवाल उठाया है और उस सवाल को लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इस पर जो है डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन जो चल रहा है वो भी प्रभावित हो सकता है। यानी कि डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन अगर इनके कमेंट्स के हिसाब से किया जाए तो 94 शिक्षक बहाली प्रक्रिया में काफी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हो सकते हैं, तो ये कमेंट जो है काफी खतरनाक हो सकता है। तो कमेंट्स आप लोग करिए, जरूर करिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ के करिए क्योंकि इससे आपको नुकसान भी हो सकता है। और ये जो कमेंट्स आया है ये हो सकता है कि अगले चरण को लेकर के आया है, अभी ये पिछले चरण के नहीं है, लेकिन इनके कमेंट्स के माध्यम से ये चीज एक निकल के सामने आई है कि ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण है और इस आधार पे भी जो है डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होना चाहिए। इनका जो पॉइंट है इसको शामिल किया जाना चाहिए और ये जो पॉइंट है ये रिजर्वेशन से संबंधित है, उसी को लेकर के आपके सामने आए हैं। कमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आपके सामने लगा देंगे ताकि आपको कमेंट समझ में आए। तो जो भी बिहार शिक्षक अभ्यर्थी हमारे चैनल पर नए हैं या जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको मालूम है क्या करना है, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है, बेल आइकन पर प्रेस करना है, ऑल पे क्लिक कर देंगे तो आपको सारी वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं इनका कमेंट क्या है। इनका कमेंट है, ये विवेक रंजन जी हैं, इन्होंने लिखा, विवेक रंजन जी ने, कि सर सीटेट का मार्कशीट में कैटेगरी जर्नल है तो ईडब्ल्यूएस से अप्लाई कर सकते हैं? तो इनको तो मैंने आंसर दिया है नहीं, कि नहीं कर सकते हैं। अब ये जो सीटेट है तो आप लोग जान रहे हैं कि अभी तो हुआ नहीं है, इससे पहले का जो सीटेट है वही हुआ होगा, बिल्कुल जैसी बात है कि इससे पहले का जो सीटेट है वो हुआ होगा। तो यहाँ पे जो सवाल उठ रहा है वो सवाल ये है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो रिजर्वेशन जो दिया गया केंद्र सरकार के माध्यम से फिर स्टेट में लागू किया गया, उसका जो है जो पुराने सीटेट के जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, उन्होंने 94 शिक्षक बहाली में अप्लाई किया है। आप सभी लोग जानते हैं कि पुराने जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं उन्होंने 94 शिक्षक बहाली में अप्लाई किया है। अब बात यह उठती है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय चल रहा है क्या उसमें सीटेट के ऐसे सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। मान लिया जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता हूं, ठीक है, और मैंने सीटेट पहले क्वालिफाई कर रखा है, मतलब ईडब्ल्यूएस का कानून पारित होने से पहले मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया था और जब बिहार में वैकेंसी निकाली गई तो ईडब्ल्यूएस को लेकर निकाली गई। लेकिन एक बात यहाँ पे यह भी है कि दोनों प्रोसेस समानांतर ही हुए थे, लेकिन हो सकता हो कि सीटेट की ऐसी बहुत सारी मार्कशीट निकल जाए जहां पर ईडब्ल्यूएस का कोई जिक्र ना किया गया हो। तो अब सवाल ये उठता है कि ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी है अगर सीटेट के मार्कशीट पे वो छपी हुई नहीं है या उस पर नहीं लिखा है कि ये सीटेट का जो मार्कशीट है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का है, तो 94 शिक्षक बहाली में जो लोग आवेदन किए हैं क्या उनका आवेदन निरस्त होना चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी? क्या उनको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लाभ उस सीटेट मार्कशीट के आधार पर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पहली बात तो यह है क्योंकि नियम यह कहता है कि जैसे कोई अन्य कैटेगरी का अगर अभ्यर्थी है, मान लिया बीसी कैटेगरी है या ओबीसी कैटेगरी है या ईबीसी कैटेगरी है, अगर उसके सीटेट के मार्क पे मार्कशीट पे या बिहार टीटी के मार्कशीट पे उसकी कैटेगरी अगर अंकित नहीं रहती है, छपी हुई नहीं रहती है, तो उसे जनरल कैटेगरी का अभ्यर्थी माना जाता है और वो अभ्यर्थी फिर क्या करता है कि वो यूआर में आवेदन कर सकता है लेकिन अपनी कैटेगरी रिजर्वेशन सीट पे आवेदन नहीं कर सकता है क्योंकि उसके सीटेट और बीटेट के मार्कशीट पर उसकी कैटेगरी नहीं छपी हुई है। तो सवाल यहां भी यही उठता है, लेकिन यहां पे एक चीज थोड़ी सी ये है कि सीटेट और ईडब्ल्यूएस की जो कैटेगरी है उसको क्वालिफाइंग मार्क्स में कोई छूट नहीं है, क्वालिफाइंग मार्क्स में ईडब्ल्यूएस को कोई छूट तो है नहीं, लेकिन चूंकि सीटेट की जो मार्कशीट होती है उस पर जर्नल तो लिखा नहीं रहता है या अनरिजर्व लिख के तो आता नहीं है, जबकि इसको जो है सीबीएसई बोर्ड वालों को देना चाहिए कि अब सीटेट की मार्कशीट पे लिख के दें कि अनरिजर्व कैटेगरी या यूआर कैटेगरी। मैंने देखा नहीं है अभी तक किसी यूआर का ऐसा, तो हो सकता हो कि लिखा हो या ना लिखा हो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा, लेकिन अगर सीटेट की मार्कशीट पे ईडब्ल्यूएस प्रिंट नहीं है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अगर आवेदन करिए हैं 94 शिक्षक बहाली में तब फिर आप आवेदन के पात्र नहीं है क्योंकि आपकी सीटेट वाली मार्कशीट पे ईडब्ल्यूएस प्रिंट नहीं किया हुआ है, फिर आप यूआर के लिए ही आवेदन कर सकते हैं। ये एक मामला नया बन सकता है
ये एक पेच फंस सकता है, क्योंकि आगे आने वाली जो सातवें चरण की बहालियां होंगी उसमें सीटेट के मार्कशीट पे प्रिंटेड होना चाहिए, या फिर सीबीएसई बोर्ड को ऐसा कोई नोटिफिकेशन जो है जारी करना चाहिए, या बिहार सिंचाई आयोग को ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए कि ऐसे सभी अभ्यर्थी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और जिनकी सीटेट की मार्कशीट पे ईडब्ल्यूएस प्रिंट नहीं है, या तो उनका आवेदन निरस्त किया जाए या तो उनका आवेदन स्वीकार करने के लिए एक नोटिस जारी किया जाए कि जिनकी मार्कशीट पे सीटेट पे ईडब्ल्यूएस प्रिंट नहीं है उन्हें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आवेदन के लिए पात्र माना गया है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम के लिए। ये नहीं कि अभी जो सीटेट के एग्जाम्स हों उसके लिए भी जो है वो उसको अलाउ करना है, ऐसा ना हो। तो ये काफी महत्वपूर्ण कमेंट था, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस आधार पर भी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई थी कि सीटेट के मार्कशीट पे ईडब्ल्यूएस प्रिंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। वैसे जब ये बहाली आई थी 2019 में, जब ये बहाली निकली थी उस समय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रिजर्वेशन मिल चुका था, और ये अलग बात है कि सीटेट के एग्जाम्स नहीं हुए या बीटेट के एग्जाम्स नहीं हुए, ये एक अलग बात है, लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जाम्स हुए थे, ठीक है, रिजल्ट भी आए थे, लेकिन उनको जो है एंट्री नहीं कराई गई। लेकिन बिहार टेट भी हुआ था, उस समय भी आपको लगता है कि काफी पहले ईडब्ल्यूएस का जो है रिजर्वेशन डिक्लेयर कर दिया गया था, मुझे डेट नहीं आया याद है, ईयर नहीं याद है, आप लोग को याद हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि सीटेट के मार्कशीट पे 54 शिक्षक बहाली में जो लोग आवेदन किए हैं उनकी मार्कशीट पे ईडब्ल्यूएस अंकित है कि नहीं है। तो बिहार शिक्षा विभाग को यह बताना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस अगर उनके मार्कशीट पे अंकित है तभी वे पात्र हैं, और अगर नहीं है तो वे अपात्र हैं। दोनों में से कोई एक बात होगी, और दोनों नहीं है तो उनको एक लेटर जारी करके उनको अलाउ करना चाहिए ताकि उनकी पात्रता बनी रहे और उनको रिजर्वेशन का लाभ मिल सके। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इसी तरीके से आप लोग कमेंट्स जो है अगर करते रहेंगे तो हम लोग को भी जो है पॉइंट्स मिलते हैं बात करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रहा होगा, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर करिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।